खुशामदेद व्यूज़ यूसुफ किलोवाट आवर पे। आज एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है एमजी लवर्स के लिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर ये है कि एमजी 5 का फेसलिफ्ट मॉडल जो है यूरोप के बाद अब इंग्लैंड में भी आने वाला है मोस्ट प्रॉबली। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी न्यूज़ हैं उसके मुताबिक अगले महीने एमजी अनाउंस करेगा कि कब से एमजी का एमजी फाइव इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्ग रेंज जो है वो आ रहा है मार्केट में इधर यूके में। उसकी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता सकूं या उसकी तस्वीर दिखा सकूं। मेरे साथ रहिएगा। ये है एमजी 5 का फेसलिफ्ट मॉडल जो सामने से बड़ी अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है, जो ओल्ड में काफ़ी पुरानी लुक की थी। और ये थोड़ा सा बैक से अभी मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसका मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा जो मेन बात है वो हुआ ये है कि आप सबको पता ही है मेरे ख्याल, जो कोई गाड़ियां अगर ढूंढ रहे हैं, आम गाड़ी या कोई ऐसी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी या दूसरी आइस गाड़ियां अगर आप आजकल ढूंढ रहे हैं, तो नई गाड़ी का बड़ा मसला हुआ है। तो एमजी का क्योंकि बहुत पॉपुलर हुई हुई है इस वक्त इंग्लैंड में ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो 16 मई मंडे वाले दिन एमजी ने अनाउंस किया है कि अब वो कोई न्यू फैक्ट्री ऑर्डर्स अनटिल फर्दर नोटिस जो है वो नहीं लेंगे। एमजी ZS स्टैंडर्ड रेंज, एमजी ZS लॉन्ग रेंज और एमजी 5। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दो शिप्स आए हैं जिसमें काफ़ी सारी एमजी 5s हैं, एमजी ZS हैं और एमजी HS प्लग इन जो है व्हीकल वो भी आई है उसमें, लेकिन वो ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं जो नवंबर दिसंबर से लोगों ने किए हुए हैं और वो उनको जनवरी फरवरी में मिलने थे, अब वो मई के एंड में या जून में उन लोगों को ये गाड़ियां मिलेंगी। तो इस वक्त अगर आप ऑर्डर करते हैं कोई गाड़ी एमजी ZS स्टैंडर्ड रेंज या लॉन्ग रेंज और या एमजी 5, तो आप ऑर्डर कर ही नहीं सकते एमजी ने अनटिल फर्दर नोटिस, क्योंकि उनके पास 9-10 महीने का वेट टाइम है इस वक्त, और उसकी वजह से उन्होंने वक्ती तौर पे इसको रोक दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम कस्टमर्स जो हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी वो भेज नहीं पा रहे हैं शंघाई से। SAIC मोटर्स वाले, आपको पता ही है एमजी चाइना में बनती है और SAIC मोटर उसको बना रहा है, तो इस वक्त अगर कोई ऑर्डर करेगा किसी डीलरशिप के पास, अगर उस डीलरशिप के पास कोई कैंसलेशन है तो उसमें से आपको बाई चांस वो चीज़ मिल सकती है। तो कुछ अरसे के लिए ये सैड न्यूज़ है कि एमजी इलेक्ट्रिक ZS स्टैंडर्ड रेंज, लॉन्ग रेंज या एमजी 5, इसका कोई नया ऑर्डर नहीं हो रहा। ZS का इसलिए नहीं हो रहा कि वेट टाइम बहुत ज़्यादा है, फेसलिफ्ट मॉडल है, बड़ी अच्छी बनाई है उन्होंने, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं और रेंज भी उसकी बहुत अच्छी कर दी है, 273 मील रेंज है, 73 किलोवाट की उसकी बैटरी है जो ZS फेसलिफ्ट है, उसमें ऐप भी है, 360 कैमराज भी है उसकी ट्रॉफी में। और जो MG 5 है उसका ऑर्डर लेना इसलिए बंद किया है कि MG का, जैसे मैंने आपको बताया कि फेसलिफ्ट मॉडल जो है वो अनाउंस हो गया हुआ है, यूरोप में तो ऑलरेडी आ चुका था। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी खबर आई थी मेरे पास, तो जो MG लवर्स हैं मैं और या इलेक्ट्रिक व्हीकल लवर्स हैं उनके लिए ये चीज़ आपको बता दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज की वीडियो भी देखने का, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।